पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने पठानकोट एयरबेस पर 2016 में आतंकी हमले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि केंद्र ने आतंकी हमले के बाद सेना भेजने के बदले 7.5 करोड़ रुपए मांगे थे। मान ने आगे कहा कि वो उस वक्त सांसद थे, जब उन्हें इसका पता चला तो वो सांसद साधु सिंह को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। मैंने याद है जब पठानकोट से हमला हुआ एयरबेस पे, तो मिलिट्री आई, मुकाबला किया, उन्होंने मार दिता गया। कुछ दिन बाद, हमले तो 1.5 महीना 2 महीने बाद चिट्ठी मिली एक मैनू कि जी पंजाब सानू 7.5 करोड़ रुपया पे करे क्योंकि असी थोड़े वास्ते मिलिट्री भेजी सी। मैं क्या जी कमाल है, मैं साधु सिंह जी नाल लिया, प्रोफेसर साधु सिंह मेरे नाल सी, असी राजनाथ जी को गए, असी क्या जी 7.5 करोड़ रुपये दे दें, साढ़े MP लैड चो कट लियो पर नाल लिख के दे दो कि असी पंजाब नू किराए ते मिलिट्री दें, पंजाब हिस्सा नहीं है देश का। सब तो पहला बंदूक की गोली साड़िया छातियां ते बजती है कि पंजाब ने मतलब इंडिया तो मिलिट्री धारी ली। फिर माफ कीते जी उन्होंने, जब उन्होंने पता लगे गल बधूगी, असी याद कराइए मुड़ के साढ़े ते कोई कष्ट पै जे तुसी सानू साथों रेंट लो, एदू वड्डा होर की मार हो सकती है जी। सब तो वध साढ़े जरनैल, सब तो वध साढ़े फौजी मुंडे, खास तौर पर जी गुरदासपुर वाली बैल्ट का एक घर भी है नहीं जिथे शहीद ना हो, मिलिट्री 5-5, 10-10, 15-15 मुंडे ना हो। वहीं BJP के प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पठानकोट आतंकी हमला हुआ था तब पंजाब में अकाली दल BJP गठबंधन की सरकार थी, वो वहां से विधायक था। अगर केंद्र ने रुपए मांगे होते तो सबसे पहले उन्हें पता चलता, उस वक्त की सरकार के ध्यान में ये बात आती। ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। बता दें कि पठानकोट एयरबेस पर 2 जनवरी 2016 को आतंकी हमला हुआ था जिसे भारतीय सेना की वर्दी में आए हथियारबंद आतंकियों ने अंजाम दिया था। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए थे।